देखो यूट्यूब के थंबनेल में जो घर था ना वो क्लिकबेट था, उतना बड़ा हमारा घर नहीं है, हमारा घर ठीक ठाक था। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से मैं तुम्हें बताता हूँ, ये गेम जो मैं और मेरे भाई ने इन्वेंट की थी पिछले लॉकडाउन में। तो चलिए फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये है मिनी फुटबॉल। तो देखो ये बॉल है, अगर तुमने गोल करना तो सामने से करना है, अगर तुम यहाँ से करोगे तो गोल नहीं माना जाएगा, सामने से करोगे। और यहाँ पर मैं और मेरा भाई खेलते थे, और पता क्या हुआ, हमने गेम ये खेलनी बंद क्यों कर दी, क्योंकि एक बार मैं ऐसे कर रहा था और मैंने यहाँ पर बॉल मारी और ये टूंटी टूट गई भाई, टूंटी टूट गई, पानी भर रहा था भाई, पानी भर भर के बाहर आ रहा था, और तारक मेहता का चंपक लाल वाला सीन हो गया था मेरे साथ। फिर मम्मी ने मेरे को मारा, फिर तब वो हमने गेम खेलनी बंद कर दी, पर ये गेम खेलने का मज़ा बड़ा आता था। ये हमारे घर के बाहर का बाथरूम, ये है जहाँ पर हम इकट्ठी करके हाथ धोते हैं, और यहाँ पर है देखो दो नल लगे हुए हैं, ठीक है, एक नल आता है ये टैंकी वाला नल है, और ये गवर्नमेंट वाला पानी, ठीक है, ये गवर्नमेंट वाला पानी आता है इसके अंदर, अभी आ रहा है। तो ये पानी आता है देखो 5 बजे आता है, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आता है, सुबह सुबह पानी आता है। तो जब मैं बचपन में मुझे पूल में नहाना होता था ना, तो हम पूल यहाँ पर रख देते थे और ये गवर्नमेंट का पानी आता था उसमें हम नहाते थे, पैसा बचाते भाई, मिडिल क्लास में यही होता है। तो देखो यहाँ पर हम अपने घर के जूते चप्पल रखते हैं, क्योंकि हमारे घर में जूते चप्पल पहन कर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। ये देखो मैंने भी नहीं पहनी हुई। अब चलते हैं हमारे कमरे की तरफ। तो देखो हमारे पूरे घर में ना सिर्फ एक ही एसी है, और वो रहा ये, और कई बार भी हमारे घर में एसी नहीं लगा हुआ, और हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर सोती है। यहाँ पर देखो एक बेड लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी सो जाते हैं, एक यहाँ पर है, ठीक है। और जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो यहाँ पर गद्दे बिछ जाते हैं भाई, गद्दे गद्दे हो जाते हैं, और यहाँ पर भी गद्दे गद्दे। इस कमरे में मैं बिल्कुल भी नहीं रहता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पता क्या बात है, या तो देखो मेरे को एसी मिल सकता है या मेरे को प्राइवेसी मिल सकती है। और इस कमरे में मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चला सकता, क्योंकि मेरे पापा को फ़ोन से नफरत है भाई, बहुत नफरत है, बिल्कुल भी नहीं चला सकता। और ये भाई देखो सालासर बालाजी, सालासर राजस्थान में एक मंदिर है, बालाजी हनुमान जी का मंदिर है, तो सारे प्रणाम करो। तो अब चलते हैं हॉल की तरफ। यहाँ पर देखो एक आलीशान सोफ़ा है, यहाँ पर कुर्सियाँ बिछी हैं, और यहाँ पर देखो पेंट सूखने के लिए पड़ी हुई है। और ये देखो ये यहाँ पर ये होती है जहाँ पर मेरे बचपन की किताबें रखता था, जब मैं स्कूल जाता था ना तो यहाँ पर रखता था। ये मेरे भाई का होता था, आई लव रोनाल्डो, रोनाल्डो इज़ बेस्ट, इसने एक टीम बनाई थी एशियन टाइगर्स, कभी सक्सेसफुल ही नहीं हुई। अब तो यहाँ पर देखो ये पढ़ा रहता है, क्योंकि हम दोनों की स्कूल लाइफ हो गई एकदम। और ये देखो ये मेरे भाई की बड़ी किताबें, यहाँ पर ना मैं IPL का जो होता था ना, IPL का वो चिपका के रखता था। ये भी मेरा ही है, ये भी मेरा ही है भाई, ये भी मेरा ही है टाइम टेबल। और यहाँ पर मैं IPL का भी चिपका के रखता था, वो भी क्या दिन हुआ करते थे। और ये भाई साहब इतना मनहूस TV है ना, इतना मनहूस TV, जब से यहाँ पर आए हैं ना भाई, ये तो 2014 में TV लिया था, उसके बाद भाई इंडिया एक भी वर्ल्ड क्या कहते हैं ICC टूर्नामेंट नहीं जीता। ये देखो भाई, अब है गुरु नानक देव प्रणाम करो सारे, ये देखो श्री कृष्ण भगवान प्रणाम करो सारे, ये देखो शिव जी भगवान प्रणाम करो सारे, ये देखो उनका भक्त मेरे को भी प्रणाम कर सकते हो वैसे तुम। ये मेरे को अवार्ड मिलते थे, मैं ना 10th में टॉपर हुआ करता था, ये मेरे को गांव से मिला था, क्योंकि हमारे गांव में टॉप कर जाए बहुत बड़ी बात होती थी। ये हनुमान जी प्रणाम करो सारे। और ये देखो मैं बचपन में स्टाइल देखो स्टाइल। तो ये हमारे घर का किचन है, ये देखो यहाँ पर आम पड़े हुए हैं, यहाँ पर बर्तन साफ करने के लिए, यहाँ पर चूल्हा, और ये देखो फ्रिज है, फ्रिज देखो कितना बड़ा, पैसा देखो पैसा, ये देखो ऊपर लोटी चोको पाई, खाने की भाई कोई कमी नहीं है पर मैं फिर भी पतला ही हूँ। ये देखो अमीरों के फ्रिज नहीं होते ऐसे। और ये देखो भाई मेडिसन, ऐसे नहीं भाई कुछ का, ऐसे कोई नहीं पिएगा इसको, ये मेडिसन की तरह ट्रीट की जाती है हमारे घर पे। और यहाँ पर देखो ये मेरा फेवरेट डब्बा, यहाँ पर होती खाने के लिए चीज़ें, खाने से मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है, ये देखो यहाँ पर होती खाने की चीज़ें, और ये पीनट बटर पड़ा है। ये भाई हमारे घर का किचन। और यहाँ पर देखो महंगे महंगे क्या कहते हैं, महंगे महंगे तो नहीं, यहाँ पर नहीं, ये देखो ग्लास पड़े हुए हैं, कभी भी नहीं मम्मी खुलेगी भाई, कभी भी नहीं, ये हमारे पीने के लिए नहीं होता, जब गेस्ट आते तब होता है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ एक किस्सा, हमारे घर वाले होते इतने जुगाड़ू, पूछो ही मत। ये देखो ये गुलाब जल की शीशी है, ये एक बार गुलाब जल मैं रात को लेके चला गया और मैंने अपने मुंह पर डालने लग पड़ा, मैं क्या अपनी स्किन का केयर करते हैं, मैं कहा भाई गुलाब जल तो इतना ठंडा ठंडा मेरे को महसूस हो रहा है, क्या बात है। फिर मेरे को पता लगा कि भाई इसमें सैनिटाइजर डाला हुआ है, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आंखों में नहीं डाल लिया भाई, मेरी तो आंखें चली जाती। रेलवे स्टेशन से अगर हम पानी लेते हैं ना तो पानी की बोतल पीकर फेंकते नहीं है, हम पानी की बोतल घर में लेके आते हैं। हमारे घर में भाई यही बोतलें हैं, नॉर्मल बोतलें नहीं होती, वो जो टप्परवेयर वाली, वो हमारे घर में नहीं होती, ये हमारे घर में बोतल होती है। देखो ये देखो ये वाला लिफाफा जिसके अंदर सारे लिफाफे होते हैं, ये देखो। और अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ अपने कमरे की तरफ। ये है ऊपर का 1st फ्लोर, यहाँ पर कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता,
बस मम्मी आते जब पाठ पूजा करनी होती है, पापा आते जब पाठ पूजा करनी होती है, बस। यह है मेरा कमरा। देखो मैंने काला पर्दा लगाया हुआ है, मैंने सोचा मैं टिकटॉकर बनूंगा, पर वो सारा आइडिया फेल हो गया क्योंकि इस कमरे में ना आवाज़ बहुत गूंजती है। और मैं इस कमरे में बेसिकली इसलिए रहता हूँ, गर्मी में मरता हूँ क्योंकि यहाँ पर ना मेरे को फ्री वाईफाई मिलता है, 7 सालों का लगा हुआ है और मेरे को पासवर्ड पता है, तो फ्री वाईफाई के चक्कर में मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। बस दुआ करना कि वो ये वीडियो ना देख ले। तो बाकी देखो, ये देखो ये मेरे बचपन की फ़ोटो, ये देखो मैंने बकरे का शिकार किया था बचपन में, बहुत बहादुर हुआ करता था। और ये देखो, और मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरे को जुकाम होता है इसलिए मैंने ये नैपकिन रखे होते हैं, तुम्हें पता कि और किस कारण भी नैपकिन रख सकते हैं। ये देखो चने पड़े हैं, ये गुलाब जल, ये लैपटॉप साफ़ करने के लिए यहाँ पर लैपटॉप पड़े हैं। अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ अपने स्टूडियो में। तो ये देखो ये मेरा स्टूडियो, यहाँ पर ना आवाज़ ठीक ठाक आती है, और ये देखो रिंग लाइट, और ये देखो मेरा नाम सरकास्टा, और ये देखो क्या कहते हैं इसको स्टूडियो लाइट। अगर देखो तुम्हें रिंग लाइट लेनी है या स्टूडियो लाइट लेनी है तो हमेशा स्टूडियो लाइट लेना, क्योंकि स्टूडियो लाइट ना 1500 की पड़ती है और रिंग लाइट पड़ेगी तुम्हें ये वाली 3-4 हज़ार की। अगर तुम्हारे पास पैसा फिर तो जो मर्जी लो। तो ये देखो यहाँ पर बैठ, यहाँ पर भाई साहब मैं और मेरा भाई इतना WWE करते थे ना, इतना WWE पूछो ही मत। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चढ़ते थे, यहाँ से कूदते थे भाई साहब, उसको मैंने इतना मारा ना, उसको नीचे से मैं घसीट के ऊपर लेके आता था, भाई प्लीज़ चल पड़ भाई, ये काम है काम है, फिर उसको यहाँ पर पीटता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। पर अब मेरे भाई की बन गई है गर्लफ्रेंड बन गई मेरे भाई की, तो वो खेलता ही नहीं मेरे साथ। ये देखो यहाँ पर भगवान जी का कमरा, यहाँ पर होती पाठ पूजा। ये देखो ये है हमारे कान्हा जी, और ये देखो ये है गुरु नानक देव जी, ये है साईं बाबा, ये है बाबा दीप सिंह जी, ये बाबा दीप सिंह जी, और ये भगवान जी बालाजी, ठीक है, ये दुर्गा माता, जय माता दी बोलो सारे। तो ये है भाई साहब, सारे प्रणाम करो। अब चलते हैं हमारे घर के स्टोर रूम में। ये हमारे घर का स्टोर रूम है, ये देखो आटे की चक्की, आटे की चक्की है यहाँ पर, और ये देखो बैट पड़ा है, और ये बॉल पड़ी है, और ये सब देखो प्याज है भाई, प्याज हमने ब्लैक में रखे हुए हैं, प्याज पहले से ब्लैक में नहीं रखे, हमारे राजस्थान से ना प्याज आते हैं तो इसलिए रखे हुए हैं। और ये देखो ये बस यही है भाई, भाई कुछ नहीं। और एक हमारे घर में एक और स्टोर रूम है भगवान जी के कमरे के साथ, ये भी एक स्टोर रूम है, इसमें क्या ही देखोगे तुम। और ये हमारे घर का यहाँ पर कपड़ा, यहाँ पर ना हम कपड़े सुखाते हैं बस, और कुछ नहीं। पहले मैं इस कमरे में रहता था, ये कमरा ठंडा होता था, पर इस कमरे में फिर वाईफाई आ गया तो मैं इस कमरे में आने लग पड़ा। फ्री का वाईफाई कौन मिस करेगा भाई, यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आते उस वाईफाई के। और ये हमारा टट्टी खाना एक और। अब चलते हैं ऊपर छत की तरफ। ये देखो हमारे घर की छत। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम कितने अमीर हैं। ये देखो मैं तुम्हें कंपैरिजन दिखाता हूँ। ये देखो हमारे 7 सालों की छत, यहाँ पर क्या लगी हुई है, ईंटे, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं उस घर वालों की छत, यहाँ पर भी क्या लगी हुई है, ईंटे। पर हमारा घर देखो, यहाँ पर लगी टाइलें, महंगी महंगी टाइलें लगी हुई हैं। ये देखो हमारे घर पर लगा हुआ महंगा महंगा मार्बल, तो ये समझ सकते हो कि हमारे पास पैसा कितना होगा। पैसा नहीं है, हमारा काम ही यही है भाई, टाइल और मार्बल का काम है। अगर तुम अमृतसर के हो, तरन तारण के हो, और तुम्हें मार्बल टाइल्स लेने हैं तो श्री चार भुजा मार्बल टाइल्स, वहाँ से मार्बल टाइल्स लेना बहुत ज़रूरी है, वहीं से लेना, अपने भाई का थोड़ा बहुत फ़ायदा करा देना, ठीक है। तो ये हमारे घर की छत है बेसिकली। और यहाँ पर भी देखो तुम्हें एक और बताता हूँ, ये देखो ये टूटियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से आता है टंकी वाला पानी और यहाँ से आता है गवर्नमेंट वाला पानी। और यहाँ पर हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर क्रिकेट खेलते होते थे, ठीक है, यहाँ पर विकेट लगाते थे फिर ऐसे खेलते थे। और तो मैं रूल बताता हूँ क्या रूल होते थे, रूल होते थे देखो यहाँ से खेलेंगे, अगर उड़ती उड़ती वहाँ पर लगी आउट, उड़ती उड़ती वहाँ पर लगी आउट, अगर उड़ती उड़ती यहाँ पर लगी आउट, क्योंकि आवाज़ बहुत आती है ना फिर उसका नुकसान तो भरना ही पड़ेगा। और यहाँ पर अगर उड़ती उड़ती लगी फिर नॉट आउट है, ठीक है। और चौका छक्का बिल्कुल भी नहीं है, टिक की स्कोर है, अगर एज लगकर पीछे भी लगी तो आउट है। तो ये हमारे यहाँ के रूल होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा, रिलेटेबल लगा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, 5K सब्सक्राइबर करवा दो, थैंक यू। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, सरकास्टर_। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।